जश्न ईद मिलाद उन्नबी के जुलूस की तैयारियों को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में स्थित अकबरी मस्जिद में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जश्न ईद मिलाद उन्नबी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और इस जुलूस को किस तरह से सफल बनाया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान शेख जदा जुल्फिकार चिश्ती ने बताया कि अजमेर के सभी मुस्लिम समाज के लोग इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें अंजुमन के सचिव वहीद अंगारा सैयद अली बदर सैयद फकर कागदी, अंजुमन यादगार से शेख जादगान तारागढ़ के पूर्व सदर सरवर सिद्दीकी, पूर्व पार्षद असमत बीवी, अंदरकोट के मुनवर काजी के साथ ही अलग अलग मुस्लिम समाज के लोग इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल मुसलमानों ने अजमेर की जानिब से निकलने वाले विशाल जुलूस की तैयारी के संदर्भ में आज पहली मीटिंग अकबरी मस्जिद दरगाह शरीफ में अंजुमन सैयद जादगान की सेक्रेटरी हाजी सैयद वाहिद हुसैन साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी मुस्लिम पंचायतों सभी संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने भाग लिया और किस प्रकार जुलूस को सफल बनाने के लिए उस पर सुझाव इकट्ठे करे ताकि उस पर अमली जामा पहनाया जाए।